दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बागी बनते दिखाई दे रहे हैं और एक तो सपा सिंबल से टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कि फिरोजाबाद फूलपुर बदायूं के सांसद, ये तीन सांसद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के चंद्र सिंह और फूलपुर के केसरी देवी पटेल बदायूं की संघ मित्रा मौर्य ने बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से मणिपुर हिंसा कांड चल रहा था, उसी बीच संसद भवन में एक तरफ विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रयास कर रहा है कि मणिपुर हिंसा जो कांड हुआ है, जिस तरह से महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसके ऊपर कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र साहब जो कि सदन में नहीं आ रहे हैं और विपक्ष इसके ऊपर लेकर हमलावर है। इसी बीच फिरोजाबाद के सांसद चंद्र सिंह और फूलपुर की केसरी देवी और बदायूं की संघमित्रा मौर्य ने सरकार से केंद्रीय राज्य गृह मंत्री से सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि 2017 से लेकर 2021 तक वो डेटा हमें बताइए जिसमें कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न बलात्कार हुआ है, जो डेटा वहाँ पे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दिया है। बहुत चौंकाने वाला मामला है। आपको बता दूं कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने 2017 से 2021 के बीच में डेटा पास किया जिसमें 1278 केस पूरे 28 राज्यों में हुए हैं महिलाओं के साथ बलात्कार उत्पीड़न मिला के, और जिसमें टॉप पे यूपी आ रहा। बड़ी खबर है कि टॉप पे नंबर एक पे यूपी आ रहा, जिसमें 218 ऐसे मामले मिले हैं 2017 से लेकर 2021 के बीच में, और दूसरे नंबर पे असम है, तीसरे पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि जिस तरह से बदायूं की संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अखिलेश यादव के बिल्कुल करीबी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो लगातार एक कयास जो लगाए जा रहे थे कि संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हुई नज़र आ रही हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे झटका मिल सकता है। और फूलपुर की सांसद, अब मैं आपको बता दूँ कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी से सवाल भाजपा के सांसद फिरोजाबाद से जो है चंद्र सिंह और फूलपुर से भाजपा की सांसद केसरी देवी पटेल और बदायूं की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने उठाया था। ये 25 जुलाई को उठाया था मामला और इसका डेटा सदन के अंदर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो फंसती हुई नजर आ रही है। सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश आ गया, जिसमें 1278 टोटल 28 राज्यों में केसेस में जो कि 218 केस लेकर सबसे टॉप पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न और बलात्कार के केस में सबसे टॉप पर इस समय सरकारी डेटा के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।